दोस्तों जरा सोचिए, 63,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड बड़ी तेजी से हमारी धरती की तरफ बढ़ता है और ऐसे में हमारी धरती पर वह उल्कापिंड टकरा जाता है, जिसके बाद हमारी धरती पर कितनी भयानक तबाही हो सकती है। दोस्तों जी हां, एक ऐसा ही उल्कापिंड हमारी धरती की तरफ बड़ी तेजी से आ रहा है। उस उल्कापिंड का नाम है 2019 AT6 और ये उल्कापिंड 13 जुलाई को हमारी धरती के काफी नजदीक से होकर गुजरेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 13 जुलाई को शाम को 7:34 पर यह उल्कापिंड हमारी धरती से क्लोज अप्रोच करने वाला है। और दोस्तों इस उल्कापिंड के बारे में हमने पहले भी 2 वीडियो डिटेल में बना चुके हैं, जिसे नहीं देखा तो आप देख सकते हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस उल्कापिंड की रफ्तार 63,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये आफत धरती की तरफ 63,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बड़ी तेजी से हमारी धरती की तरफ आ रही है और ऐसे में ये उल्कापिंड हमारी धरती से 4,00,000 किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है। 13 जुलाई शाम को 7:34 पर 63,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हमारी धरती से 4,00,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। वैसे तो इस उल्कापिंड से हमारी धरती को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर सोचिए इसकी दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो यह हमारी धरती से सीधे टकरा सकता है और इस उल्कापिंड का आकार गीजा के पिरामिड जितना बड़ा बताया जा रहा है। और दोस्तों में ऐसे में यह उल्कापिंड हमारी धरती पर किसी शहर पर गिरता है तो पलक झपकते ही इस धरती पर से उस शहर का नामो निशान मिटा देगा। दोस्तों धरती पर आई प्राकृतिक आपदा को हम झेल सकते हैं, लेकिन आसमान की तरफ आने वाली आफत को हमारी धरती पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे हम झेल सके। कोई एस्ट्रॉइड, कोई धूमकेतु जो अगर हमारी धरती से टकराएगा तो हमारी धरती पर महाविनाश होगा। दोस्तों ये उल्कापिंड कितने खतरनाक होते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। अगर कोई बड़े आकार का उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाए तो हमारी धरती पर से संपूर्ण जीवन का नाश कर सकता है। दोस्तों अतीत में नजर डालें तो ऐसा ही एक उल्कापिंड हमारी धरती से टकराया था। आज से 6 करोड़ साल पहले चिक्सू नामक उल्कापिंड वर्तमान में मौजूद मेक्सिको की खाड़ी में गिरा था और उस उल्कापिंड का व्यास 10 किलोमीटर था, यानी एक 10 किलोमीटर बड़ा उल्कापिंड हमारी धरती से टकराया था और हमारी धरती पर बसने वाले बड़े बड़े डायनासोर सहित 95% जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हमारी धरती का अंत किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के टकराने से ही होगा। ऐसे में ये सोचने वाली बात है और वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर बड़े सीरियस रहते हैं कि कोई बाहरी ऑब्जेक्ट हमारी धरती से ना टकरा जाए। इसलिए बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी अपने यहाँ पर टेलीस्कोप और सेंटर सिस्टम लगाए हुए होते हैं, जिनके जरिए धरती की तरफ आने वाले किसी भी खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। उसकी रफ्तार, उसका आकार, सब कुछ वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारी धरती के कितनी दूरी से गुजरेगा। और अगर कोई उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरनाक साबित होता है तो उसे पहले ही उस जगह को अलर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, 2019 AT6 13 जुलाई को आने वाला उल्कापिंड हमारी धरती से 4,00,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा, इसलिए हमारी धरती को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों धरती की तरफ आने वाले किसी भी खतरे से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।